चोर से लड़ने को तैयार अभीरा। अभीरा और अरमान की सगाई में कंगन को लेकर बवाल। आप सबके सामने हमारी शादी के लिए मानी थी, तो फिर पूरे रीति रिवाज से सगाई कराइए ना। फिर करीब आए अरमान और अभीरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही अभीरा और अरमान शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन उससे पहले होगी अभीरा और अरमान की सगाई। और इस सगाई के लिए दादी सा ने चुनी है अरमान के लिए 1 करोड़ की अंगूठी। और ये अंगूठी दादी सा ने अभीरा को रखने को दी है। भाई अभीरा तो काफी परेशान है, उसे डर है कि कहीं अंगूठी चोरी ना हो जाए या गुम ना जाए, इसीलिए वो घर में कर रही है तैयारियां चोरों को सबक सिखाने की। असल में अभीरा को लग रहा है कि घर में चोर आ जाएंगे, जिसके लिए अभीरा ने पहले से ही तैयारी कर ली है। दरवाजा कर लिया है लॉक, बिछा दी है ये पिंस, तैयार है वो रस्सी के साथ चोरों का मुकाबला करने के लिए। भाई 1 करोड़ की अंगूठी की रक्षा जो करनी है। तो ये रिंग है 1 करोड़ रुपए की, और मेरे पास इतनी महंगी चीज़ ना कभी थी ना कभी रखने की या गिफ्ट लेने की चाहत है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा असमंजस है कि मतलब मैं इसका क्या करूँ, अब मैं कैसे संभालूँ। मैं तो बस मेले वाली मामूली अंगूठी ही रखती थी, और उसे भी इतना संभाल के रखती थी, 50-60 रुपए वाली अंगूठी, अंगूठी नहीं झुमके अंगूठी या जो भी एक्सेसरीज है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है। और प्लस ये भी है कि कहीं खो गई तो कुछ हो गया तो खैर अरमान समझाते हैं कि एक ही रात की बात है, मुझे भी लगता है ठीक है नेक्स्ट डे तो मुझे उसे पहना देना है और फिर सब कुछ मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाएगी। यहाँ आउट हाउस में आती हूँ तो सारे प्रिकॉशंस मैंने लिए हैं रिंग को छुपाने के, अलग अलग जगह पर अलग अलग जाल बिछाने के कि कोई ना आए। एक ही रात की बात है बट फिर भी कोई चांस नहीं लेना है, क्योंकि शादी एक ही बार होती है और अंगूठी एक ही बार आती है, तो सब कुछ किया है लेकिन फिर भी चोर आ जाते हैं। भाई कहीं ना कहीं अरमान को पता है कि अभीरा अंगूठी को लेकर काफी परेशान है, इसीलिए बाकी के घर वाले और अरमान भी अभीरा को समझाते हैं कि बस एक रात की ही बात है और अगले दिन अभीरा तो अरमान को अंगूठी पहना ही देगी। ऐसे में अभीरा अरमान की बात मान लेती है, और देखिए फिर एक बार इन्हें मिल गया है चांस पर रोमांस करने का मौका। अभीरा की रिंग को लेकर दादी सा का यही मुद्दा उठा है कि शी हैज़ टू गिव अभीरा द बेस्ट रिंग, और अभीरा बिकॉज वो डरती है कि ज़्यादा महंगी ना हो, और दादी सा और पूरे फैमिली वाले उसे कन्विंस करते हैं कि अब तुम पोदार ख़ानदान की बहू बनने वाली हो जहाँ पे पैसे का कोई मुद्दा नहीं है, अब तुम खरीदो। बट वो ये वेस्ट ऑफ, वो उसकी राय है और हमारी राय है। भाई ये चोर वाला ट्विस्ट तो सीरियल में आने वाला ट्विस्ट है। बात करें सीन की तो देखिए कैसे अभीरा को खानदानी कंगन देने से दादी सा ने मना कर दिया है। ऐसे में अरमान और विद्या अभीरा के सपोर्ट में आते हैं, और विद्या तो कहती है कि वो अभीरा को कंगन पहना कर ही रहेगी। अभीरा को खानदानी कंगन नहीं देंगे, पर ये तो हमारी फैमिली की हर भाव को सगाई पे मिलते हैं ना। हर लाइफ भाव को, और ये लड़की कम से कम आपको इसके आज इसके लाइफ। ये गलत बात है दादी साहब, आप सबके सामने हमारी शादी के लिए मानी थी,
तो फिर पूरे रीति रिवाज से सगाई कराइए ना। रही बात नाम बदलने की, अगर अभीरा मान भी जाती तो भी मैं उसके लिए आपसे लड़ जाता। अभीरा का नाम तो बदलना नहीं था दादी साहब, और ये बात कहीं ना कहीं आप भी जानती हैं, इसलिए आपने मेरे सामने ये मुद्दा नहीं उठाया, है ना? शादी से पहले अगर ये हालत है तो शादी के बाद क्या होगा? जब अभीरा का कोई रिश्ता नहीं था तब भी उसने एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया और शादी के बाद भी निभाई। हम में से किसी को कोई भी मुसीबत आती है तो अभीरा सबसे पहले ढाल बनकर खड़ी होती है। ढाल की जरूरत जंग के मैदान में होती है। ये हमारा घर, यहाँ पे सूझबूझ के सफर से प्यार से हर जिम्मेदारियां उठाई। अभीरा जिम्मेदार है, हम नहीं समझते, इसीलिए हम उसे ये कंगन नहीं देंगे। भाई कंगन वाला ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, जहां पर अभीरा और दादीसा के बीच फिर से बहस हो जाती है अभीरा के नाम को लेकर। दादीसा अभीरा का नाम चेंज करवाना चाहती है और अभीरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसे में अभीरा दादीसा को समझाने की कोशिश में लगी हुई है। आपको नहीं लगता कि झूठ रिश्ते को अंदर से दीमक की तरह खोखला करती? अगर मैं खुद टूटी हुई होती तो क्या मैं आपके परिवार को जोड़ कर रखती? अगर मैं अंदर से खुश नहीं होती तो क्या मैं आप में से किसी को भी खुश कर भाई? सगाई होने से पहले ही इतने ड्रामे हो रहे हैं तो सगाई में कौन कौन से ड्रामे होंगे? वैसे यहाँ पर एक और ड्रामा हो रहा है जहाँ पर अरमान चोरी चुपके घर से बाहर जा रहा है, लेकिन तभी दादी सा उसे पकड़ लेती है। अंगूठी उस लड़की की जिम्मेदारी, उससे देखना। तो दादी सा जो है वो इस घर की हवलदार है, ये दादी सा सबको अपने अपना पकड़ के रखती है, और ये चौथी बार है कि अरमान अपने दादी सा की नज़रों से बाहर भाग रहा है। इन्हें पता नहीं है कि जिस स्कूल में ये पढ़ते थे हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो डरे हुए हैं, लेकिन तो भी बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो भाई अब देखना होगा कि अरमान और अभीरा की सगाई की रस्म में सेलिब्रेशन के साथ साथ कितने सारे ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं रक्षाबंधन का ये त्योहार आप सबके साथ, और लेकर आ रहे हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।